शहर की सफाई व्यवस्था के दावे जमीन पर खोखले नजर आ रहे हैं। हाल ये है कि पूरे शहर में गंदगी पसरी है। सबसे बुरी हालत तो भोपा कॉलोनी की है। यहाँ के नाले की अभी तक सफाई नहीं हो सकी है। इसकी वजह से पूरी कॉलोनी के लोग दुर्गंध एवं गंदगी से परेशान हैं। नगर पालिका का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं है। कॉलोनी के रहवासियों ने बताया कि कई बार नगर पालिका में गंदगी होने की शिकायत की, लेकिन अब तक सफाई नहीं हुई। गंदगी की वजह से कॉलोनी में हैजा फैलने की आशंका है। बहरहाल नगर पालिका की उदासीनता का नतीजा वार्ड के रहवासियों को भुगतना पड़ रहा है। बारिश चल रही है, गंदगी साफ नहीं हुई। इसमें जब भी मैं गुजरता हूँ उस मोहल्ले से इतनी बदबू आती है, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो 5-15-20 साल से ये गंदगी वाला चला आ रहा है। अपन साफ सफाई तो होती नहीं इस नालों की। नगर पालिका प्रशासन तो देखने को तैयार नहीं था। 15 दिन में 2 बार टेम्पो आता है ट्रैक्टर सफाई करने के लिए। 15 दिन में 2 बार ट्रैक्टर आता है सफाई करने के लिए। हाँ वो तो देख लिया। और कचरा आगे बताऊँ आपको मैं, यानी क्या साहब, हैजा फैल जाएगा ये देख लो आप। नगर पालिका में कोविड में सब दूर कर दी, फोन पे फोन कर रहे हैं, आता ही नहीं। वो दवा सड़क पे छींटने वाली दवा उड़ा के चला गया बस।